वन वेलकम वर्ल्ड कप के बाद 2020 का सीजन जोर शोर से चल रहा है इसलिए वेलकम टू फुल टॉस इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन केकेआर की टीम ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है क्यों पितु जी पितु जी केकेआर की टीम बहुत स्ट्रांग है ऑन पेपर ओ अगर ऑन पेपर स्ट्रांग है तो कैट सीटी के एग्जाम्स दे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? गई बड़ी टॉकिंग अबाउट My फ्रेंड जैसे कपड़े और पेपर फटने के बाद उसे फेंका जाता है पूरा इनकी बेवकूफियों के बगैर ये शो है अधूरा जी हम के हम KKR की बात करें friend, फ्रेंड is like a इज लाइक blinders। विद focus is ओनली ऑन वन थिंग और वो है हार ऑन द लॉस ओ केकेआर रेस में भागने वाले कोई घोड़े का नाम है मैं खामखा सोचती थी कि कोई फीफा की टीम है ओ हो पिद्दू जी प्लीज मंडेला जी को बताइए कि केकेआर वाईपीएल की एक क्रिकेट टीम का नाम है जिसके मालिक मिस्टर मारुख खान हैं मारुख खान तो तो उनके प्लेयर्स रुक रुक के खेलते होंगे ना गुरु बाजीगर हो बाजीगर तू है बड़ी जादूगर लेकिन याद रखना जीत कर हारने वाले को कोलकाता काइट राइडर्स कहते हैं आपने बड़ी डेप्थ वाली बात की है <laughs> इससे पहले कि मेरी डेप्थ मेरा मतलब डेथ हो जाए अलविदा हेलो एंड वेलकम टू फुल पिद्दू क्या लगता है आपको पिद्दू जी कि भज्जी से मुंबई को फायदा होगा कोई फायदा नहीं होगा व्हाट भज्जी इज सो फुल ऑफ कैलोरीज अगर मुंबई को फिट रहना है तो डाइट करना पड़ेगा नो भज्जी व्हाट इज दिस वुमन टॉकिंग अबाउट पिद्दू जी मुझे तो लगता है कि मंडिला के शरीर की सारी कैलोरीज इनके दिमाग में चली गई है ओए गुरु रिमेंबर वन थिंग मुंबई टीम में बज्जी हो या सड्डा सिमंट्स हर मैच में नाचूंगा मैं होके मगन एंड <laughs> माई फ्रेंड जहां तक का सवाल का है उसका बॉल उतना ही स्पिन होता है जैसे एक का टेल। आंसर? क्या व्हाट एन आंसर व्हाट एन आंसर डॉबरमैन की टेल कहा होती है बज्जी का स्पिन भी कहा होता है हाँ 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 वैसे ये बात भी सही है अच्छा पिदु जी ये बताइए कि इस बार वाई में आप किस प्लेयर को सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखना चाहेंगे शराब बेचारू जी बिद्दू जी आपकी तरह नॉन वायलेंट नहीं है वायलेंट नहीं है। वायलेंट नहीं है वो आपकी तरह तोड़ने फोड़ने में विश्वास नहीं रखते ओए क्या बात कर दी था क्या बात कर दिया चक दे फटे मार सुटिया यार <laughs> और बेचारू तू सुन गेंद को देखकर बैट्समैन के दिल में होता है तारा रम पम पम उसी तरह जिस तरीके से मेरे दिल में इनको देखकर होता है चम 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 और रही बात रिकॉर्ड तोड़ने की तू मत ले टेंशन अगर मंदिला ने मुझे ना कर दिया तो बीसीसीआई देगी मुझे पेंशन क्या बात है जी क्या बात है इससे पहले कि मैं इन दोनों में से किसी का सर फोड़ ब्रेक नमस्कार फुल टॉस में मैं बेचारू शर्मा आपका स्वागत करता हूं फुल टॉस पिंटू जी पिंटू जी फुल टॉस में आपका स्वागत है है तो पिंटू जी ये बताइए कि इस बार वाईपीएल में आपके हिसाब से मैन ऑफ द सीरीज कौन होगा सचिन मलिंगा या फिर महिला? How dumb बेचारू जी मैन ऑफ द सीरीज का खिताब कोई मैन को ही मिलेगा ना महिला को कैसे मिलेगा ओए <laughs> गुरु मैन ऑफ द सीरीज उसी को मिलेगा जो मारता है हर मैच में बाजी और जब कुड़ी राजी तो क्या करेगा बेचारू <laughs> <get your> <laughs> मैं आपके हाथ जोड़ता हूं या तो अपना मुंह बंद रखिए या फिर सिर्फ क्रिकेट की बातें कीजिए अच्छा पित्तु जी ये बताइए कि इन योर ओपिनियन मलिंगा का बोलिंग एक्शन क्या ठीक है या फिर वो फेकत है हाउ डम बेचारू जी अगेन अगर वो बॉल फेकेगा नहीं तो बैट्समैन तक पहुंचेगा कैसे और वो सिक्सर कैसे मारेगा व्हाट इज दिस वुमन टॉकिंग अबाउट अरे पितु जी ने बताइए कि मैं मलिंगा के बॉलिंग एक्शन चक यानी फेंकने फेंकने की बात कर रहा हूं ओए गुरु कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना और रही बात मलिंगा की उनका बॉल फेंकने के रूमर्स है फेक और कु दुनिया को छोड़ तू सिर्फ मेरी तरफ देख रोमांटिक इससे पहले कि मैं इन दोनों को उठा के फेंक लेट्स <laughs> आज हमारे साथ एक बहुत ही महान नेता नेता जी आप पर पहला इल्जाम यह है कि आपने जो बड़े बड़े दावे किए थे कि आपके एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उन कैमराज की वजह से जो है आपके एरिया में चोरिया नहीं होंगी क्या ऐसा कुछ हुआ कसम चार मीनार की चोरिया बंद हो गई ना पब्लिक की अभी हम लोग जितनी बार सीसीटीवी कैमरा लगाते चोरा आते वो कैमरा ही चोरी कर ले जाते आप पर एक इल्जाम और है आपकी यूनाइटेड पार्टी जो है वो दो साल में चार बार टूट चुकी है जितने भी बड़े 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 नेता थे वो सब आपकी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं अब आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि आपकी पार्टी जो है दोबारा नहीं टूटेगी कसम चार मीनारा की अभी दोबारा हमारी पार्टी नक्को टूटती रे बाबा क्योंकि पूरी पार्टी में अकेला है आप पर एक इल्जाम और है आपने स्लम की तरक्की के लिए बहुत बड़ी बड़ी डींगे थी क्या उनकी कुछ तरक्की हुई कसम चार हमारे एरिए में क्या तरक्की हुई भाई पहले स्लम दो एकड़ में था भाई आजकल पांच एकड़ में फैल गया ना भाई और इतना तरक्की होना हाँ तो आज हमारे साथ हैं रेलवे मिनिस्टर जनता बनर्जी जी आप पर इल्जाम है कि आपने भालू जी के ड्रीम प्रोजेक्ट मैग्नेटिक फील्ड से चलने वाली ट्रेन का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया ऐसा क्यों किया आप की की कीड़े 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 अरे बाबा गुंडा पदमाश हम बोल रहा है ये सब कैन यू बोल चीज चीज नो नो आई डोंट लाइक चीज अरे बाबा हम बोल रहा है जो भालू जी है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट एकदम बकवास है वो क्या बोला कि चुंबक का ट्रेन लाएगा अरे बाबा ये लोहे की पटरी के चुंबक का ट्रेन ऊपर ऊपर दौड़ेगा उसको टच नहीं करेगा तो बीच में से हवा निकल गया और स्लिप हो गया ट्रेन पलट गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा हम रेलवे वाला कितने लोगों को मुआवजा देगा रे? बहुत आप पर अगला इल्जाम ये है कि रेलवे भर्ती के बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो अक्सर लीक हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है जहाँ सब हम क्या किया प्रश्न पत्र लीक होता है ना उधर से हम सिक्योरिटी मैन को हटा दिया अब उसकी जगह पे हम प्लम्बर को रख दिया प्लम्बर रहेगा प्लम्बर रहने से एकदम टाइट रखेगा तो प्रश्न पत्र कैसा लीक होगा गए आप पर अगला इल्जाम ये है कि अक्सर लोग ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देते हैं आप उस पर कोई बयान क्यों नहीं देते हैं ट्रेन के आगे पटरी पे कूदता है वो अच्छा बात नहीं है अगर आपको ऐसा करना है तो पहले टिकट खरीदो ट्रेन में बैठो ट्रेन चलेगा वो काम रेलवे <laughs> <laughs> को अरे कर <laughs> करते हो ये सब काम है <laughs> साहब बोलो हम दोनों में सिर्फ कपड़ों का फर्क है वरना हम दोनों का काम तो एक ही मंगू <laughs> अगर कपड़ों का फर्क है इसीलिए तो तू टेबल के उधर और मैं टेबल के इधर हूँ समझा और तुझे क्या पता इधर से उधर जाने के लिए कितनी रिश्वत देनी पड़ती है झूठ तो छेड़ा साहब अगर आप मुझे बंद ना करें तो सच्ची सच्ची बोलो बोलो आप रिश्वत दे के चोरी करते हो और मैं चोरी करके रिश्वत देता हूँ हम दोनों का काम तो एक ही है ये बहुत बोलने लग गया है तू बहुत जबान चलने लगी है तेरी है छुटकू तू बता क्या किया इसने साहेब ये नकली पुलिस वाला बनकर लोगों से रुपये लूट रहा था कार्य मंगू तो काहे नकली पुलिस वाला बना था मैं नकली पुलिस वाला बना जरूर था मगर काम तो असली कर रिया था है? है? <laughs> <laughs> Oh. <laughs> आज मंगू बाबा शामदेव के यहाँ चोरी करते पकड़ा गया कह रहे मंगू अब किसी को तो छोड़ दिया कर <laughs> हाँ कैसे साहब बिल्ली की तरह एक घर छोड़ देते हैं ए जू तो छठा ए मंगू तू बता तू वहाँ क्या करने गया था साहब मैं सच बोल रही हूँ मैं बाबा के घर चोरी करने नहीं गया था मैं तो बाबा के घर सीखने गया था ओ तो कहा तू बाबा के घर योगासन सीखने गया था कि प्राणायाम सीखने गया था झूठ बोलता है साहब ये योगासन सीखने नहीं गया था ये बाबा की दवाइयाँ चुराने गया होगा साहब ये पागलपन की बात कर रिया है अगर मैं बाबा के यहाँ दवाइयाँ चुराने गया होता तो आज मैं यहाँ होता मैं तो अपना खुद का आश्रम खोल चुका होता तो तू करने का गया था वहाँ पे जल्दी बता साहब भी ट्राई करेंगे जू तो छटा बाबा देव जी कृपा करके हमें बताइए कि आप वहाँ करने कहाँ गए थे मैं तो ये जानने गया था कि एक छोटी सी कुटिया में रहने वाला बाबा हजार करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन सकता है मैं वो योग सीखने गया था